हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, ये वीडियो करंट अफेयर्स का स्पेशल वीडियो है। आपके लिए मैं लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक आप देखेंगे तो आप खुद ही बोलेंगे, सर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे वीडियो को, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन मैं ऐड किया हूँ, जो सभी सरकारी नौकरी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसको क्लिक कर दें। साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जो घंटी है उसको भी ऑन कर लें, ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ लाइक करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने रैपिड चेस विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2017 जीती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर है विश्वनाथन आनंद जी ने, ठीक है। भारत के किस शतरंज खिलाड़ी ने रैपिड चेस विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2017 जीती है? विश्वनाथन आनंद, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए आप लोग। देखिए, नहीं पता है कोई बात नहीं, इसका आंसर है दोस्तों 2 का अधीरेंद्र पाल सिंह को, ठीक है। UGC का जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष इसको नियुक्त किया गया है, धीरेंद्र पाल सिंह को, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने अपने अभी तक के सबसे तेज किस कंप्यूटर को जनवरी 2018 में लॉन्च किया है? भारत ने अपने अभी तक के सबसे तेज किस कंप्यूटर को जनवरी 2018 में लॉन्च किया है? इसका आंसर है दोस्तों प्रत्यूष, ठीक है। सबसे तेज कंप्यूटर है अभी तक का भारत का, प्रत्यूष। क्या नाम है उसका? प्रत्यूष, ठीक है। भारत ने अपने अभी तक के सबसे तेज किस कंप्यूटर को जनवरी 2018 में लॉन्च किया है? प्रत्यूष को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसंबर 2017 में पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया है? किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसंबर 2017 में पोलियो रोग से मुक्त घोषित किया है? तो इसका आंसर है दोस्तों 4 का गैवान को, ठीक है। जो गैवान है इसको WHO ने विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिसंबर 2017 में पोलियो रोग से मुक्त घोषित कर दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहरीन की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है? बहरीन की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है? तो 5 का आंसर क्या है? बा, ठीक है, दीनार। 5 का आंसर दीनार। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह का साथी कौन था? 6 का आंसर है बटुकेश्वर दत्त जी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र ओपेक का सदस्य नहीं है? कौन सा राष्ट्र ओपेक का सदस्य नहीं है? 7 का आंसर है द, फ्रांस जो है ओपेक का सदस्य नहीं है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य नामित करता है? भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य नामित करता है? 12 सदस्य, टोटल 12 सदस्यों को नामित करता है, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु बिजली संयंत्र नहीं है? भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु बिजली संयंत्र नहीं है? इसका आंसर है सिलचर में, ठीक है। बाकी पूरे इन जगहों पर है, लेकिन सिलचर पर नहीं है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है जयराम ठाकुर जी, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को जो नए CM बनाए गए हैं, जयराम ठाकुर जी को, ठीक है। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर्स प्लस GK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, और वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कि आप इसी तरह और भी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं जल्दी से जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोज़ रेगुलर लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।